दारोगा, दारोगा, come in, दारोगा, come in. तुम इस बॉक्स में क्या कर रहे हो दारोगा? मैं गम से तंग आके ड्रम में बैठ गया हूँ सर. अरे तुमने फिर ड्यूटी पे दारू पी ली. मैं ड्यूटी पे किधर पी रहा हूँ सर, मैं ड्रम में बैठ के पी रहा हूँ. तुमने मुझसे कल क्या वादा किया था कि तुम दारू नहीं पियोगे? मेरा कल याद नहीं तो वादा किधर से याद रहेगा सर. देखो दारू का ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है, तुम ड्यूटी पे दारू नहीं पियोगे. अरे कैसे नहीं पियूंगा सर, तुम मालूम डॉक्टर ने क्या बोला था? ए दारू का तुम परहेज करो, तुम्हें तबीयत खराब है, गलत सलत चीज नहीं खाना. हाँ 10-10 मिनट में दारू पीते रहना, टॉनिक की तरह तबीयत अच्छी रहेगी. मालूम झूठ बोलते हो तुम. नहीं साहब, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? झूठ तो बोलता है जिसने जिंदगी में कभी सच बोला हो, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसी बेहुदा सलाह नहीं दे सकता. हाँ तो वही दुनिया का डॉक्टर है भी नहीं. खामोश, अगर तुम दारू नहीं छोड़ सकते तो काम छोड़ दो और आज के बाद घर पे बैठे रहो, पीते रहो. अरे दारू का क्या हुआ? अरे क्यों रो रहा है? अरे बेवकूफ, कितने कितने सुर में रोता है? ओ क्या हुआ, हुआ क्या? अरे मेरे भाई हुआ क्या? ये अपना मैनेजर है ना, ये मेरे बोलता है तू घर जा. घर जाऊंगा तो बी बोलेगा अरे निकम्मे तू मर जा. अच्छा. मर के जब ऊपर जाऊंगा तो भगवान बोलेगा टाइम से पहले तू ऊपर किधर है, नीचे जा. अच्छा. जब नीचे आऊंगा तो मैनेजर बोलेगा घर जा. अच्छा. जब घर जाऊंगा तो बी बोले इतना बोलता है. तू बता मैं किधर जाऊं? तू किधर मत जा, तू खाली सुधर जा. किधर जाऊं? सुधर जा, सुधर जा. सुधर यानी किधर? अरे मेरे बाप, सुधर जा का मतलब किसी जगह का नाम नहीं है. तू सुधर जा मतलब ठीक हो जा. नहीं समझा? तू तो बिगड़ने से भी 1000 कदम आगे निकल चुका है. बस अबे अगर यही हाल रहा तो समझ ले नौकरी छूट गई. पर अभी तो मेरी बाटली फूट गई. फूट गई? दारू का और दारू पिएगा? अरे अच्छी बात है, तू चिंता मत कर. ले ये पैसे ले और तू दूसरी बोतल खरीद ले. ले 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 ले. ये खाली 3 रुपए? 3? अरे 3 नोट है, रुपए 200 है. अच्छा 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 अच्छा. और ले बेटा और ले. नहीं मैं रिक्शा के लिए तो छोड़. नहीं तो रिक्शा में लटक के पैदल जाना. रिक्शा में लटक के पैदल? तू होश में नहीं बेटा. कोई बात नहीं, तू डट के पी और जब मैनेजर साहब नहीं हो ना तो इसी ड्रम में घुस के पीते रहना और फिर होश में मत आना लाला. मतलब तू पीता रहा, मैं चलू रिक्शा में पैदल? रुपए तो सब ले लिए. पता नहीं ये मेरा बेवड़ा पति कहाँ जाके पड़ा होगा पीकर. जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, और दिल मेरा ले गई ले गई ले गई. जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई ले गई. क्या है, क्या ढूंढ रहा है? टंगड़ी, मैं पूछने आया था तेरा पति आया कि नहीं. तू मेरे पति को खटिया के नीचे, कोयले के डिब्बे के अंदर, कबाड़ के अंदर किधर किधर घुस के ढूंढता है? नहीं नहीं, ये मेरे दिल की हमदर्दी है जो आटा बनकर मेरे मुंह से टपक रही है. जैसे गेहूं को घुन खा जाता है, जैसे रिश्वत खोर पुलिस पब्लिक को खा जाती है, वैसे ही मुझे तेरा गम खाया जा रहा है. वो बेवड़ा दारू का 24 घंटे गटर में दारू पी के पड़ा रहता है, कपड़े भी खराब करता है और गटर भी खराब करता है, मगर तेरी रत्ती भर भी चिंता नहीं करता. बस यही गम मुझे दिन रात खाए जा रहा है. अरे चिपका कहाँ जा रहा है, हट के बात कर, मुझे कोई गम वम नहीं है. बहुत गम है मगर तुझे पता नहीं. अरे मेरा दिल करता है कि मैं 24 घंटे तेरे घर की चौखट पे बैठा रहूं और तेरी रक्षा करूं, और जैसे ही गम तेरे करीब आए तो मैं उसको ऐसे पकड़ लूं. ये क्या करता है? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें गम की कहानी सुना रहा हूं. अगर मुझे गम मिल जाए तो मैं उसको चिमट जाऊं, उसको ऐसे घुमाऊं, उसको ऐसे हिलाऊं. कहानी मैं सुनाऊं? जब भी गम मिल जाए ना तो उसका ऐसे पकड़ना, फिर अपने सामने करना. अच्छा. फिर ऐसे घुसा बनाना और फिर उसको ऐसे मारना. अबे एक तो मारने दे साले.
तो मेरे को रोज उसी वास्ते पैसे देता था ना। नहीं नहीं के जा दारू का दारू पी ताकि उधर दारू का लुढ़क जावे तो तू दारू का की दुलारी पे हाथ पोछ डाले। तुम्हें बीवी की इज्जत की क्या परवाह है? मर्द अगर दारू पी के गटर में पड़ा रहेगा तो रास्ते का हर चलता फिरता कुत्ता घर में मुंह मारने पहुंच जाएगा। हेलो हेलो मिसेस विजय, मैं प्राणलाल बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव का पुराना दोस्त। मैं तुम्हारे पति देव से बात कर सकता हूँ? वो घर पे नहीं है। अफसोस, ये तुम्हारे पति देव की बदकिस्मती है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मिसेस विजय, मेरी बात ध्यान से सुनो और ये बात अपने पति के कानों तक भी पहुँचा देना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शोभा अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बाहर गई है। हालांकि मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन मैं आप भी शोभा को अपनी बहू मानता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की आत्मा उसके लिए बहुत तड़प रही है। नीच जलील, तू आग से खेल रहा है। नहीं, बल्कि उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे सीने में सुलग रही है। जी भाभी जी, शोभा की जान खतरे में है। क्या? हाँ, जिस आदमी ने मेरे पति को मारने की कोशिश की थी वो अब शोभा की जान का दुश्मन बन गया है। मुझे अभी फोन पर धमकी दी, मैंने शोभा के भैया को फोन लगाया पर वो मिले नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जैक, आप फिक्र मत कीजिए, आखिर मैं भी तो इस घर का मेंबर हूँ, मैं भी वहाँ जाता हूँ। कैसे भी करके शोभा की जान बचा लो जैक। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी जाओ। अरे ग्रेट बात, बाय बाय। आगे बताना। रुक जाओ, मेरे नजरी का होगा तो बहुत बुरा होगा। मेरे भाई ने तुम पर इतने एहसान किए, उसका बदला तुम इस बदतमीजी से दे रहे हो। मैं कहती हूँ रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। तो फिर आएगा साले? आ तो गया हूँ छिलके। आ तो गया लेकिन आज बच के नहीं जाएगा। सॉरी मैम। अब तो यकीन हो गया ना कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ? बिल्कुल। ये नाटक बहुत पुराना हो चुका मिस्टर। पहली बात तो ये कि मैं उस आदमी को ना जानती हूँ, ना ही मुझे उसकी कोई दुश्मनी है, तो फिर वो मेरा कत्ल करने क्यों आया था? और दूसरी बात, तुम यहाँ ऐन मौके पर कहाँ से आ पहुँचे?
मतलब क्या तुम्हारा? मतलब तुम्हारी बेईमानी की तरह बिल्कुल साफ है मिस्टर फ्रॉड। ये सब तुम्हारा ड्रामा था। तुम सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए चाल चल रहे थे जो नाकाम हो गई। कल जब मैं अपने भैया को तुम्हारे करतूतों की कहानी सुनाऊंगी तो तुम जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगे, समझे? भगवान ने तुम्हें जितनी खूबसूरत शक्ल दी है उससे कहीं ज्यादा बदसूरत अकल भी दी है। तुम एक एहसान फरामोश और बददिमाग किस्म की लड़की हो। अगर तुम्हें अपनी अमीरी पर इतना ही घमंड है तो मैं तुम्हारी अमीरी को अपने जूते के नोक पर मारता हूँ। क्या मारता हूँ? जूते के नोक पर मारता हूँ। अगर तुम्हारी जैसी बदजुबान लड़की इस दुनिया में और पैदा हो जाए तो लोग लड़कियों की इज्जत आबरू बचाते हुए तबाह करेंगे। अगर तुम इसे ड्रामा समझती हो तो कल जाकर अपने भाई को इस ड्रामे की कहानी सुना देना। वो तुम्हें बता देंगे कि सच्चाई क्या है, मैं क्या हूँ और तुम मुझे क्या समझती हो। गुड नाइट। गुड बॉय। गेट लॉस्ट। डोंट एवर कम बैक अगेन। शुभ को इतने बड़े खतरे से बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तूने एक दोस्त का फर्ज निभाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अगर आज मेरी बहन को कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। विजय साहब, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस घर से मुझे कुछ लेना देना है, कुछ कर्ज चुकाना है। जरूर कोई पुराने जमाने का संबंध है, मगर एक बात समझ में नहीं आती, ये प्राणलाल आपके साथ बार बार ऐसी कमीनी हरकत क्यों? भगवान के लिए उसका जिक्र इस घर में कभी मत करना।